ऑलवेज व्हेन आई यूज्ड टू गिव द मॉक टेस्ट आई ओनली यूज्ड टू गेट अबाउट 90 to 110 मार्क्स. कभी भी मेरे इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे. तो आई वॉज रियली फियरफुल कि क्या होगा, इतना ही रेंज आता है कट ऑफ का, उसमें ही आई एम कर रही हूँ. आई ट्राइड अ लॉट, नेगेटिव्स हो जाते थे कई बार. तो नेगेटिव्स का ये करिए आप, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी पेपर को, टेस्ट को अटेम्प्ट करने में दे देते हैं, पर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते. एंड टेस्ट एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग द टेस्ट. सो वट एवर टेस्ट यू आर गिविंग, इफ यू आर गिविंग 2 hours फॉर द टेस्ट, गिव 3 hours टू द एनालिसिस. टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपने छोड़ा है, पता कीजिए आपने क्यों छोड़ा है. नॉलेज गैप था, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्या दिक्कत आ गई, क्यों छोड़ दिया. And if you have made, you know, attempted a question and that has gone wrong, why it has gone wrong, us pe bhi workout kijiye. Analysis of the test, especially in prelims, is very important. Because I will tell you, jo heat hota hai na June ka, aur jo sarkari school mein aapko exam dena padega, you never know aapki desk kitni choti hogi aur aap kis condition mein wo 2-4 ghante bita rahe honge. आपके दिमाग को बस ऐसे कर देना है कि बस कुछ नहीं चाहिए, जस्ट दिस पेपर, जस्ट मी एंड माय पेन. तो उस लेवल का फोकस अचीव करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी. प्रिलिमिनरी एग्जाम में जैसे सर वाज आल्सो सेइंग कि इट इज अ, यू नो, इट इज लाइक एन एलिमिनेशन प्रोसेस. इट्स नॉट मच अबाउट नोइंग कि व्हाट यू नो, बट इट्स अबाउट कटिंग ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट मच सीरियस अबाउट दिस एग्जाम. एंड एंड ऑफ द डे फॉर मी इट वॉज दोज 3-4 क्वेश्चंस which made me, you know, eligible for writing my mains. So please work equally on your prelims. Maine February se, I completely oriented my preparation towards June ka prelims, which was there. Last year it was on 3rd of June. From February when the budget came, I read the budget. And after that, I oriented my entire preparation for preliminary exams. You can start with 10-20 questions per day of specific topics. Then you can go on to attempting part tests of one entire area. कोई एक पॉलिटी का, कभी इकोनॉमी का, ऐसे करके टेस्ट कीजिए. एंड फिर फाइंड आउट कि एग्जैक्टली वेयर इज द एरिया जहाँ पे मेरी वीकनेस है. फाइंड आउट बोथ योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस. वीकनेस पे थोड़ा काम करना है, पर अगर आप समझ चुके हैं कि इसमें काम अब नहीं हो सकता है, तो अब स्ट्रेंथ पे भी काम कीजिए. प्रिलिम्स एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इज अ हेल्दी मिक्स ऑफ क्वेश्चंस विच यू नो करेक्ट and which you know can be correct. थोड़े ऐसे भी areas आएंगे when it will be dicey, when you think कि है कि नहीं है, attempt करूँ कि नहीं करूँ, कितना percentage लग रहा है. So all this practice will come when you're attempting the paper. Exam hall में जाके नहीं decide करना है कि कितने questions attempt करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, क्या strategy रहने वाली है. That is something which you will do before, at your home, wherever you are studying. So this focus you keep on attempting the paper also.